तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हमारी एक नई वीडियो आई है। उस वीडियो में हम आपके लिए 250 वाट का एक एम्पलीफायर लाए हैं, मिंटू का। इस एम्पलीफायर के फ्रंट लुक में आपको 6 माइक देखने को मिल जाते हैं। इसमें माइक 5 और माइक 6 में हमने ऑक्स दे रखी है, ऑक्स 1 और ऑक्स 2। जो माइक 5 है उसमें ऑक्स 1 है, और जो माइक 2 है उसमें ऑक्स 2 है। और आपको फ़ोन से कनेक्ट करके गाने चलाने हैं तो इसे ऑक्स 1 और ऑक्स 2 पर भी आप चला सकते हो। ये ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का सिलेक्टर स्विच है, दोनों के सेपरेट सेपरेट। इसके अंदर 6 माइक लग जाते हैं और 6 माइकों के सेपरेट सेपरेट J2 है नीचे। इसके साइड में एक सिलेक्टर स्विच देखने को मिल जाते हैं, ये USB का ऑन और ऑफ का है। इसके नीचे भी एक और सिलेक्टर स्विच है, वो आपके स्पीकर बॉक्स चलाने का और ड्राइवर यूनिट चलाने का होता है। और इसके साइड में है दो नोब दे रखी है, बेस और ट्रेबल की। ये वाली बेस की नोब है, ये वाली ट्रेबल की नोब है। लो, इसको जो बेस की नोब है इसको हमेशा 0 रखना, और जो ट्रेबल की नोब है इसको भी 0 रखना। मास्टर को भी आप आधी खोलना, और जो भी वॉल्यूम आपको खोलिए वो यहाँ से खोलना। और ये आपका एक USB पैनल देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आप ब्लूटूथ भी चला सकते हैं, USB भी चला सकते हैं, कार्ड रीडर भी चला सकते हैं, और ऑक्स भी चला सकते हैं। दो ऑक्स तो इस एम्पलीफायर में है, और तीसरी ऑक्स आपको यहाँ से देखने के मिल जाती है। और इसके ऊपर एक LED वाली एक लाइट दे रखी है, जो आपके सिग्नल को दिखाती है कि हाँ, इस एम्पलीफायर में सिग्नल आ रहा है, आउटपुट आ रही है। इसके बगल में आपको मिंटू की ब्रांडिंग देखने के मिल जाती है। यह मिंटू लिखा है, इसके नीचे MPA 250A लिखा है, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके नीचे एक रीसेट स्विच देखने के मिल जाता है। अगर आपके एम्पलीफायर में कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका रीसेट है ये बाहर की साइड आ जाएगा, और ये ओवरलोड की जो लाइट है ये ब्लिंक करने लग जाएगी। आप ओवरलोड को अंदर कर दोगे तो आपका एम्पलीफायर फिर से चालू होने लग जाएगा। इसके नीचे एक और आपको LED देखने को मिल जाती है, ये LED आपके पावर ऑन की है। और इसके नीचे एक पावर का स्विच देखने को मिल जाता है, और इसके साइड में इसके दो हैंडल हैं। अब आपको इस एम्पलीफायर के बैक पैनल पे लेके चलते हैं। चलिए, इस एम्पलीफायर के बैक पैनल में आपको ऑक्स 1 का एरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑक्स 2 का एरा, और लाइन इन का है, ये 3 एम्प आउट का, 3 आउट का ये वाला, ये सब के J2 है। ऑक्स 1 और ऑक्स 2 का मतलब आप फोन से कनेक्ट करके गाने चला सकते हो। और लाइन इन के अंदर मतलब आपको अगर एम्पलीफायर दूसरे एम्पलीफायर से पैच करना है, जो लाइन केबल होती है ना वो लाइन इन इसमें डालेंगे, और जो लाइन आउट है वो दूसरे एम्पलीफायर में आप पैच करके दोनों एम्पलीफायर को एक साथ चला सकते हैं। ये आपका प्री एम्प का है, और ये लाइन आउटपुट का, ये दोनों आप मिक्सर से अटैच करके चला सकते हैं। ये आपको फिर एक मिंटू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है। इसके नीचे साफ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये आपके साइड में आपको एक स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, स्पीकर की स्ट्रिप होती है। और ये जो रेड वाली आपको स्ट्रिप देखने के लिए मिल जाती है, इस स्ट्रिप का जो कवर है इसको बोलते हैं सेफ्टी कवर। जो LMP जो यूनिट होती है ना, उसको सेव करने के लिए हम कवर लगा के देते हैं। और इसके नीचे अगर आप इसके स्क्रू खोलोगे तो बिल्कुल ऐसी एक स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। बस फर्क ये हो जाता है कि ये जो है स्ट्रिप है ये ब्लैक है, और ये जिसके नीचे जो स्ट्रिप होगी वो रेड होगी। उसके साइड में भी एक और आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, ये स्ट्रिप है बैटरी की। अगर आपको एम्पलीफायर बैटरी से ऑपरेट करना है तो इस एम्पलीफायर को बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए आपको 24 वोल्ट देने पड़ते हैं, वो DC से करिए। इसके साइड में आपको एक पावर केबल देखने को मिल जाती है, पावर केबल ये है, तो पावर केबल भी हैवी है। इसके अंदर ये मेड इन इंडिया है पावर केबल, और ये 6 एम्पीयर की पावर केबल है। तो ये केबल जो है ना, इसे पैक करने के लिए कंपनी ने एक टाई दी है, इस टाई से हम एम्पलीफायर को पैक कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपको एक रीसेट का फिर स्विच देखने को मिल जाता है। इस एम्पलीफायर में इतनी प्रोटेक्शन है, इसके अंदर पहले फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ आपको रीसेट देखने मिल जाता है। और एक रीसेट मैंने आपको आगे दिखाया था, एक रीसेट पे आपको पीछे देखने को मिलता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये आपका एक कल्पिंग का, और एक ये आपका एंटीना का। इस एम्पलीफायर में आपको हम हीट सिंक दिखा देते हैं, हीट सिंक कितनी मोटी है इस एम्पलीफायर की। आपको 3 जगह से आपको हीट सिंक देखने मिल जाती है इस एम्पलीफायर में। पहली ये साइड है, दूसरी बैक पैनल है, तीसरी ये वाली साइड है हीट सिंक की। उसके अंदर भी हीट सिंक और भी है, और कंपोनेंट पे भी हीट सिंक लगी हुई है। हम आपको आगे वीडियो में और दिखाते हैं। अभी इस एम्पलीफायर को अंदर से आपको खोल के दिखाते हैं कि कंपनी ने इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। इस एम्पलीफायर के ऊपर के कवर में आपको दिखा देते हैं, ये आपको मिंटू की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है आपको। और आपको एक क्वेश्चन का आपको स्टीकर देखने के लिए मिल जाता है। इस एम्पलीफायर को हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। इस एम्पलीफायर के कवर को आपको उतार के दिखाते हैं। इस एम्पलीफायर में सबसे पहले हमको देखने के लिए जो मिल जाता है वो है फिनिशिंग। इस एम्पलीफायर की फिनिशिंग, तो एक एक जो छोटे से छोटा जो बोर्ड है ना इस कंपनी का, वो अपनी जगह पे माउंट है। यूँ नहीं कर रखा कि देसी की तरह कि कहीं पे भी बोर्ड लगा दिया, वो काम नहीं करती है कंपनी। हम आपको
इस एम्पलीफायर के बोर्ड और इसके कंपोनेंट के बारे में आपको बताते हैं। इस एम्पलीफायर में हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको बड़ा सा जो ट्रांसफार्मर दे रखा है, ये इनपुट ट्रांसफार्मर है, जो साइड में ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है। ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इसके और इनपुट ट्रांसफार्मर के बीच में जो एक बॉक्स लग रहा है, इसको कैपेसिटर बैंक कहते हैं, जो कि जो आपके बेस का जो पंच है ना, वो आप बढ़ा सकते हो। और इसकी जो फिल्टर की कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है इन कैपेसिटर को लगाने से। इस कैपेसिटर के अंदर आप अगर कम MFD के कैपेसिटर लाओगे ना, तो आपकी आवाज़ जो फटने लग जाएगी और आपकी जो आवाज़ है और क्लियरिटी है वो बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो आपको बता देते हैं, जो आपको हम रीसेट की बात करें, तो आपको देखो ये रीसेट ये लगला और एक रीसेट यहाँ पे है। ये आपको जो हमने प्लेट लगा रखी है, इस प्लेट के बारे में भी हम आपको भी बताते हैं। पहले आप यहाँ से शुरू करते हैं आपके लिए। देखिए एक ये बोर्ड लग रहा है, ये बैटरी का बोर्ड कहते हैं इसको। आप जो बैटरी DC से चलाते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए एक बोर्ड दे रखा है कंपनी ने, इसको डायरेक्ट नहीं चलाना। ये आपको एक ब्रिज देखने के लिए मिल जाता है। ये एक आपको एक और जो बोर्ड है देखने के लिए मिल जाता है। ये बोर्ड जो है, ये आपको USB चलाने के लिए बोर्ड दिख जाता है, जो आपको आगे USB देख रही है उसको चलाने के लिए बोर्ड हो जाता है। ये आपको सारे J2 देख रहे हैं, और J2 पे देखिए एक एक सोल्डरिंग कितनी फिनिशिंग से हुई है, और वायर देखिए। और ये आपके जो आपको ये वायर दिख रही है, ये सारे ट्रांजिस्टर हैं। देखिए ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर लग रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल तोशीबा के ट्रांजिस्टर लग रहे हैं 5200। इस एम्पलीफायर के अंदर सारे जो ट्रांजिस्टर हैं वो 5200 लग रहे हैं। हम आपको ट्रांजिस्टर गिनवा देते हैं। तीन एक साइड लग रहे हैं ट्रांजिस्टर, तीन एक साइड लग रहे हैं, कुल मिला के 6 ट्रांजिस्टर का यूज़ है इस एम्पलीफायर के अंदर 5200 का। इस कंपनी की खास बात यह है कि इस एम्पलीफायर में छोटी से छोटी अगर PCB बोर्ड भी है ना, तो उस पर भी मिंटो लिखा हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम आपको अगर नीचे करके दिखा सकते हैं, आपको एक बोर्ड दिखा सकते हैं। देखिए दिख गया आपको, देखो मिंटो लिखा हुआ है। और आपको और दिखा देते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होता, देखो इस इधर की साइड में भी एक PCB बोर्ड है, उस पर भी मिंटो लिखा हुआ है। ये रहा रेजिस्टेंस के बीच में लिखा हुआ, आपको साइड से दिखा भी सकते हैं। और आपको और बोर्ड दिखाते हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर का बोर्ड है, इस पर भी है। देखो ढंग से दिखाइए, देखो दिख रहा है सर, देखिए मिंटो लिखा छोटे से ट्रांजिस्टर के बोर्ड पे भी। अब इस प्लेट के बारे में हम आपको बताते हैं। जो प्लेट होती है, इस प्लेट को हमिंग के लिए होता है। अगर आपके एम्पलीफायर में अगर हमिंग आती है ना, तो इस प्लेट को अगर आप लगा देते हो ना, आपके हमिंग की जो कमी है ना वो दूर हो जाती है, हमिंग नहीं आती इस एम्पलीफायर में। हमारे जो कंपनी के जो एम्पलीफायर है, चाहे बड़े से बड़ा एम्पलीफायर हो, चाहे 4000 वाट हो या 3000 वाट हो या 500 वाट हो, उसके अंदर आपको ये प्लेट देखने को मिलती है, क्योंकि इससे हमिंग नहीं आती एम्पलीफायर के अंदर। जो इस एम्पलीफायर की जो PCB है ना, ये ग्लासी फॉक्सी में है। इस एम्पलीफायर की PCB क्वालिटी देखिए, ये PCB ओरिजिनल देखो मिंटो की है, इस पर मिंटो की ब्रांड नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं, देखिए मिंटो लिखा, एक एक चीज़ मिंटो की है इसमें, कोई डुप्लीकेट होने का इस एम्पलीफायर का कोई चांस है ही नहीं। बहुत सारे जो मेरे भाई हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो ये बोलते हैं कि सर आप एम्पलीफायर जो आप अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं, उसको आप चला के क्यों नहीं दिखाते। हम इसलिए चला के नहीं दिखाते क्योंकि जो हमारे पास जो गाने होते हैं, वो गाने हम अगर आप को चला के दिखाएंगे तो उस गानों पे कॉपीराइट आ जाता है, और जो NCS के जो सॉन्ग होते हैं उसके अंदर इतना मज़ा नहीं आ पाता, बेस और ट्रेबल का पता नहीं लग पाता। तो इस एम्पलीफायर को आप ख़रीदें, अपने घर पे चलाएं, अगर नहीं मज़ा आया तो हमको बताएं, हम आपको रिप्लेस करके देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें आपके DJ वाले भाइयों को। और भाई एक कंप्लेंट इसलिए आ रही है कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो को देख लेते हो और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप एक लाइक कर दोगे तो हमारा भी हौसला सा हो जाता है कि आगे और वीडियो आपके लिए बनाएं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और भैया इस एम्पलीफायर को आपको अगर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप करें और उस एम्पलीफायर के बारे में ऑर्डर बुक करें। जरूरी नहीं है ये एम्पलीफायर हमारे पास, ऐसे बहुत सारे एम्पलीफायर और दिन पे दिन करके आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे। कुछ दिनों से हमारे वीडियो इसलिए नहीं लेकर आ पाए थे क्योंकि हमारा ऑफिस तैयार होता है, ये हमारा ऑफिस में हमारी पहली वीडियो है नई।